वेलकम टू बाइंड एडूटेक एंड दिस इज़ अ कंटिन्यूड क्लास ऑफ द चैप्टर दैट वी वर गोइंग थ्रू द समर ऑफ वाइट ब्यूटिफुल हॉर्स पिछले वीडियो तक में हम लोगों ने देखा स्टोरी में कि मुराद जो है वो अकेले पहले पाँच मिनट हॉर्स राइडिंग करता है और पाँच मिनट के हॉर्स राइडिंग में ही वॉज़ ड्रिपिंग वेट वो काफ़ी पसीने पसीने हो जाता है आ कर के घोड़ा रोकता है और अब जैसा कि अरम ने उससे रिक्वेस्ट किया था कि जब तुम्हारा अकेले हॉर्स राइडिंग हो जाएगा तो मुझे भी करने देना तो अब वो देखते हैं कि उसको ऑफर करता है या नहीं करता है द सन वॉज कमिंग अप जब मुराद अकेले घोड़ा दौड़ा करके वापस आया पाँच मिनट में उसके बाद लिख रहे हैं कि द सन वॉज कमिंग अप अब सुबह अब ज़्यादा नज़दीक हो गया था अब सूर्य जो है वो अब उगने वाला था राइज होने वाला था नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड वादे के अनुसार अरम जो है वो अब बोलता है कि अब मेरा टर्न है राइड करने का माय कज़िन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स मुराद जो है वो बहुत ईमानदारी से घोड़े से नीचे उतर जाता है और वो उसको बोलता है राइड ही सेड और वो अरम को बोलता है कि लो अब तुम राइड करो अब यहाँ से अरम का फर्स्ट एक्सपीरियंस है हॉर्स राइडिंग का आज से पहले अभी से पहले अरम ने कभी हॉर्स राइडिंग किया नहीं है कभी मौका नहीं मिला आज फर्स्ट टाइम है उसके हॉर्स राइडिंग के एक्सपीरियंस का तो इस पर थोड़ा फोकस रखना यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अरम का क्या एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट वाला कैसे कैसे वो राइड किया आई लिप्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फ़ियर इमेजिनेबल जब अरम को मौका मिला अरम जो है वो घोड़े पर उछल करके पहले बैठा आई leaped टू द बैक ऑफ द हॉर्स leaped का यहाँ मतलब है उछल करके घोड़े पर वो बैठा और जैसे ही वे घोड़े पे बैठा तो एक मोमेंट के लिए फॉर अ मोमेंट मतलब एक क्षण के लिए अरम को कुछ फील हुआ कुछ महसूस हुआ जो यहाँ हाईलाइट किया है मोस्ट ऑफुलियर इमेजिनेबल फियर बोल रहा है तो फियर का मतलब तो डर होता है मोस्ट ऑफुलियर का मीनिंग आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा लिखा हुआ द मोस्ट ऑफुलियर का मतलब है द मोस्ट अनप्लीजेंट फियर वन कैन इमेजिन मतलब अभी तक के लाइफ में अरम को जितनी भी चीज़ों से और जितने बार भी उसने फियर को फेस किया था मतलब जो डर उसको लगा था अभी तक के लाइफ में उसमें से सबसे ज़्यादा डर उसको उस वक्त लग रहा था जब वो उछल करके घोड़े पर घोड़े के पीठ पर बैठ गया फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल मतलब सबसे अनप्लीजेंट फियर है ये सबसे खराब डर उसको उस समय लगा जब वो घोड़े पर उछल करके बैठा द हॉर्स डिड नॉट मूव हॉर्स जो है उसके बैठने के बाद घोड़ा जो है वो एक इंच भी मूव नहीं हुआ एक इंच भी घोड़ा हिला नहीं दौड़ा नहीं चला नहीं ये देख करके मुराद जो है वो गाइड करता है थोड़ा आरम को जोश दिलाता है एक तरह से गाइड भी करता है और तीसरा डायमेंशन में आप ये भी सोच सकते हैं कि थोड़ा उकसाता भी है उसको वो क्या बोलता है मुराद किक इनटू हिज मसल्स माई कजिन मुराद सेड मुराद ने आराम से कहा किक इन टू हिज मसल्स कि ऐसे तुम उछल करके बैठ गए हो बैठ जाने से घोड़ा दौड़ने थोड़े लगेगा पहले उसको घोड़े को तुमको घोड़े के मसल्स में तुमको किक करना पड़ेगा उसको किक करो पैर से वट आर यू वेटिंग फॉर तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट क्योंकि सुबह होने वाली थी अब सन राइज़ होने वाला था तो मुराद को एक ये भी डर सता रहा था कि एक इस बात की भी चिंता थी कि अगर सूर्योदय हो गया और बहुत सारे लोग अगर निकल गए अपने घरों से अपने अपने काम के लिए तो फिर कोई उनको उस घोड़े के साथ देख सकता है फिर सवाल पूछा जा सकता है सोचा जा सकता है कि आखिर इन लोगों के पास इन लड़कों के पास गरीब लड़कों के पास घोड़ा कहाँ से आया तो मुराद नहीं चाहता था कि सबके नज़र में ये बात आए इसीलिए वो थोड़ा हड़बड़ाहट में था और वो अरम को जोश दिलाता है वो बोलता है कि तुम किस चीज का वेट कर रहे हो वॉट आर यू वेटिंग फॉर वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी वो बोलता है कि घोड़े को हम लोग को बाकी लोगों के उठने से पहले वापस भी लेकर के जाना है इसलिए लेट मत करो और इसके मसल्स में किक करो अपने पैरों से वो उसको जोश दिलाता है अरम को अरम क्या करता है आई किक इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स अरम भी जोश में आकर के एक जोरदार किक लगाता है उसके घोड़े के मसल्स में वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड अब यहाँ रियर्ड और स्नॉटेड तो स्नोटेड का मतलब तो पहले ही आप जान चुके हैं घोड़े का साउंड हिन हिनाने का साउंड और रियर्ड का यहाँ मतलब है जो पिछले ये में था पैराग्राफ में था हिंड लेग्स पिछले पैरों पर खड़ा होना तो घोड़ा फिर से जब एक बार आ, मुराद जब किक किया था तो घोड़ा अपने आगे के दोनों पैरों को उठाया था वहाँ पे वर्ड यूज़ किया हिंड लेग्स पे घोड़ा खड़ा हुआ पिछली पैरों पर यहाँ वर्ड यूज़ कर रहा है रियर्ड मीनिंग सेम है कि घोड़ा जो है वो फिर से एक बार अपने आगे के दोनों पांव पाँव उठाता है और पिछले पैरों पर खड़ा होता है ज़ोर से हिन्हनाता है देन इट बिगैन टू रन और उसके बाद घोड़ा जो है दौड़ना शुरू कर देता है जब घोड़ा दौड़ना शुरू कर देता है तो अरम का क्या हालत है अरम लिखते हैं आई डिड नॉट नो वॉट टू डू अब जब घोड़ा दौड़ने लगा किक मारने के बाद तो अरम को अब यह नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करना है आई डिड नॉट नो वॉट टू डू कि अब क्या करना है घोड़ा तो दौड़ने लगा अब हॉर्सेस जो होते हैं घोड़े जो होते हैं वो बहुत समझदार प्राणी होते हैं समझदार इन द सेंस मैं ये बताना चाहता हूँ कि घोड़े के ऊपर जब कोई भी व्यक्ति बैठता है उसके पीठ पर तो घोड़े में इतनी समझ होती है कि वो बैठने वाले आदमी को परख लेता है अपने सेंसेस से और परखता इस बात को है कि मेरे पीठ पे जो व्यक्ति बैठा है उसको घुड़सवारी आती है या नहीं आती है ये बात घोड़े को फील हो जाता है घोड़ा ये बात महसूस कर लेता है और जब घोड़े को ये बात महसूस हो जाती है कि मेरे पीठ पे जो घुड़सवार बैठा है उसको घुड़सवारी आती है अच्छे से आती है तो घोड़ा जो है फिर उसके साथ कोई बैड बिहेवियर नहीं करता है फिर वो वेल well बिहेव्ड रहता है क्योंकि उसको पता है कि मेरे ऊपर जो बैठा है वो राइड कर सकता है हमको मगर इसके अपोजिट अगर घोड़े को ये फील हो जाता है कि मेरे ऊपर जो बैठा है घुड़सवार उसको घुड़सवारी नहीं आती तो फिर घोड़ा जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है फिर ऊपर बैठा हुआ घुड़सवार घोड़े को नहीं दौड़ाता है घोड़ा अपने ऊपर बैठे हुए घुड़सवार को दौड़ाने लगता है और अपनी मर्जी से दौड़ाने लगता है तो जब मुराद बैठा था घोड़े के ऊपर तो घोड़ा बहुत वेल बिहेव्ड मैनर में उसके साथ घोड़ा पेश आया लेकिन जब अरम बैठा है तो उसके बैठने के तरीके से उसके किक करने के तरीके से घोड़े को ये फील हो गया कि ये लड़का जो है जो बैठा है घुड़सवार वो एक्सपर्ट नहीं है मतलब वो नहीं जानता है हॉर्स राइडिंग वो नौ सीखिया है और घोड़ा क्या करता है अब घोड़ा जो है वो उसके कमांड से बाहर हो जाता है अरम के कंट्रोल से घोड़ा बाहर हो जाता है इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड घोड़े को फील्ड के तरफ ले जाना चाहता था अरम जैसा मुराद को देखा था उसने कि फील्ड के तरफ ले गया उसके बाद इरिगेशन डिच के तरफ ले गया था यह भी अरम देख के था कि पहले मैदान की तरफ ले जाना है फिर नहर के तरफ ले जाना है तो घोड़ा न तो मैदान के तरफ गया न तो नहर के तरफ गया उसके बजाय घोड़ा क्या किया द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिकरन हेलेबियन घोड़ा जो है जब उसको ये समझ में आ गया कि अरम जो है वो घुड़सवारी नहीं जानता है तो घोड़ा जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया वो फील्ड के तरफ जाने के बजाय और नहर की तरफ जाने के बजाय घोड़ा क्या किया घोड़ा रोड की तरफ चला गया दौड़ते हुए और रोड को क्रॉस करके घोड़ा एक अंगूर के बगीचे में घुस गया अरम को लेकर के अरम वॉज अब घोड़ा जो था हॉर्स वॉज नॉट इन कंट्रोल ऑफ अरम। नाउ अरम वॉज इन कंट्रोल ऑफ द हॉर्स अब हॉर्स जिधर जिधर चाहेगा अरम को उधर उधर ले जा रहा है तो फील्ड के तरफ और इरिगेशन डिच के तरफ नहीं ले गया उसको रोड क्रॉस करके ले गया वाइनयार्ड के तरफ मतलब अंगूर के बगीचे के तरफ और वो अंगूर का बगीचा किसका था उसका नाम यहाँ दिया हुआ है थोड़ा टफ नेम है थोड़ा अटपटा सा नाम है पर नाम है और वो आपको याद रखना होगा डिकरन हेलेबियन ये नाम है उस व्यक्ति का जिसका वो अंगूर का बगीचा था जिस बगीचे में घोड़ा अरम को आउट ऑफ कंट्रोल करके दौड़ते हुए लेके घुस गया नाम याद रखना डिक्रन हेलेबियन ये नाम है अंगूर के बगीचे के मालिक का वाइन यार्ड वर्ड जो यूज किया है अंगूर का बगीचा के लिए वो उसको ले गया डिक्रन हेलेबियन के वाइन यार्ड में पहले अंगूर के बगीचे में घुस गया घोड़ा दौड़ता हुआ वेयर इट बिगैन टू लीप ओवर वाइन्स घोड़ा पहले तो बगीचे में घुसा उसके बाद क्या किया कि अंगूर के जो लगे हुए थे वहाँ पे पौधे जो प्लांटेशन किया हुआ था अंगूर का तो अंगूर का प्लांटेशन बेसिकली एक लता जैसे चीज पे होता है और उसको किसी चीज के सहारे से लकड़ी वगैरह पतला या वैसे सहारा दे करके उसको एक शेप दे दिया जाता है उसी में वो लता के जैसा अंगूर का जो प्लांट होता है वो लिपटा हुआ रहता है और फिर उसी में उसके फ्रूट्स होते हैं तो वो जो एक सिंगल सिंगल जो होता है प्लांट उसको वाइन्स बोलते हैं हाँ लिखा हुआ है वाइन्स और लीप्ट वर्ड जो यूज़ किया है लीप ओवर वाइन्स तो उसका मतलब हो गया कि अंगूर के प्लांट को जंप करना लीप ओवर जंप करना पहले तो अंगूर के बगीचे में ले गया घोड़ा दौड़ते हुए आउट ऑफ कंट्रोल वाइल्ड होकर के और उसके बाद अंगूर के प्लांट्स को जंप करने लगा घोड़ा वन बाय वन कितना बार जंप किया द हॉर्स लीप्ड ओवर सेवन वाइन्स मतलब सात अंगूर के जो लगे हुए थे प्लांटेशन सात बार वो जंप किया घोड़ा और सात बार जंप करने के बाद रिजल्ट क्या हुआ आई फेल मतलब अरम जो है गिर गया घोड़े से नीचे अब आरम का जो ये जर्नी है घोड़े पे बैठने से लेकर के घोड़े से गिरने तक का जर्नी ये जर्नी इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप किसी भी क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा था तो पहले तो वो उछल के बैठा था उस समय लिखता है कि सबसे ज़्यादा डर उसको लगा था जब वो बैठ गया था उसके बैठने के बाद घोड़ा मूव किया नहीं सुबह भी होने वाली थी तो मुराद जो है वो उसको थोड़ा जोश दिलाता है अरम को कि किसका वेट कर रहे हो किस चीज़ का वेट कर रहे हो और घोड़े के मसल्स में ज़ोर से किक करो तब घोड़ा दौड़ेगा अरम भी जोर से किक कर देता है घोड़ा हिनाता हिन है अपने पीछे के पैरों पर खड़ा होता है और फिर एक स्पीड में वहाँ से दौड़ लगाता है लेकिन घोड़ा जो है वो वाइल्ड हो चुका था आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था अरम के कंट्रोल में नहीं था तो घोड़े को जाना था ले के जाना था घोड़े को फील्ड के तरफ और इरिगेशन डिच के तरफ मगर घोड़ा कहाँ ले कर घुस गया अरम को वाइन में किसके वाइन में लेकर के घुसा डिकरन हेलेबियन नाम के व्यक्ति के वाइन में और वाइन में घुसने के बाद घोड़ा क्या करने लगा ही बिगैन टू लीप ओवर द वाइन्स वो जो अंगूर के जो पौधे लगे हुए थे उनको वो जम्प करने लगा वन बाई वन एक जम्प दो जंप तीन जम्प कितना जम्प किया सेवन सेवन जम्प के बाद क्या हुआ अरम नीचे गिर गया आई फेल देन इट कंटिन्यूड रनिंग अब अरम नीचे गिर गया उसके बाद क्या होगा उसके बाद घोड़ा जो है दौड़ते हुए वहां से भाग गया इट कंटिन्यूड रनिंग घोड़ा दौड़ते हुए वहां से भाग गया अरम नीचे गिरा हुआ है और यह सारी घटना मुराद थोड़ी दूर पे खड़े होकर के देख रहा है मुराद वॉज प्रेजेंट देयर मुराद वॉज नॉट ऑन द हॉर्स विथ अरम बट ही वॉज प्रेजेंट देयर और मुराद देख लिया था कि घोड़ा जो है वो वाइल्ड हो चुका है आउट ऑफ कंट्रोल हुआ उसको लेकर के अंगूर के बगीचे में घुस गया है अरम को तो ये सारी चीज़ें मुराद देख रहा था और जब अरम गिर गया और घोड़ा वहाँ से दौड़ के भाग गया तो मुराद क्या करता है माय कज़िन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड मुराद जल्दी से दौड़ते हुए आता है अरम के पास और अरम के पास आकर के जो वो बोलता है वो थोड़ा पैक्यूलियर है थोड़ा कॉमिक है कि वो क्या बोलता है यहाँ लिखा हुआ है आई एम नॉट वरीड अबाउट यू ही शाउटेड बेचारा अरम नीचे गिरा हुआ है घोड़ा उसको नीचे गिरा करके भाग गया मुराद दौड़ा दौड़ा आया है और आ करके पहला लाइन क्या बोलता है अरम को कि मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है आई एम नॉट वरीड अबाउट यू उसको यह भी नहीं पूछता है कि तुमको चोट लगा है कि क्या हुआ है वो सीधा बोलता है मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स और घोड़े की चिंता थी मुराद को अपने भाई की चिंता नहीं थी वो बोलता है कि सीधा बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है हम लोगों को घोड़े को ढूंढना पड़ेगा घोड़ा कहाँ गया भाग गया यहाँ से दौड़ते हुए और वो ऑर्डर करता है अरम को कि तुम घोड़ा खोजने के लिए इस तरफ जाओ इन दिस डायरेक्शन मैं घोड़ा खोजने के लिए उस तरफ जाता हूँ दूसरे डायरेक्शन में जाता हूँ ये वो ऑर्डर करता है उसको यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे बोलता है तुम इस तरफ जाओ मैं इस तरफ जाता हूँ इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर और फिर उसको एक वार्निंग भी देता है अरम को कि तुम जिस तरफ जा रहे हो घोड़ा खोजने के लिए देखने के लिए तो अगर घोड़ा तुमको उधर कहीं दिख गया घोड़ा पहले तुमको दिखा तुमने घोड़ा देख लिया उधर अगर घोड़ा मिल गया तो दोबारा तुम घोड़े पर फिर बैठकर राइड करने की कोशिश मत करना तुम मुझे आवाज लगाना आई विल बी नियर मैं नज़दीक ही रहूँगा आई विल बी नियर मैं नज़दीक रहूँगा मतलब वो वार्निंग दे रहा है कि घोड़ा अगर तुमको दिख गया तो तुम फिर उस पर बैठना मत राइड करने की कोशिश मत करना तुम मुझे आवाज़ देना मैं आऊँगा और फिर मैं उसको कंट्रोल करूँगा ये वो ऑर्डर देता है और दोनों भाई जो हैं वो एक, -एक डायरेक्शन में घोड़ा खोजने के लिए निकल जाते हैं ये था उसका आ, अरम का फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट वाज नॉट गुड अच्छा एक्सपीरियंस तो उसको नहीं बोलेंगे क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस में ही घोड़ा उसको नीचे पटक देता है जो चीज़ें याद रखने लायक हैं जो बहुत छोटे पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं जैसे पूछेगा कि घोड़ा कितना बार कितने अंगूर के प्लांट को जंप किया था गिरने से जिसके बाद वो गिरा अरम तो सेवन वाइन्स लिखा हुआ था वहाँ कि सात वाइन्स जो है उसको जंप किया सेवन वाइन्स अरम फेल डाउन अरम गिर गया क्वेश्चन पूछेगा कि उसको जिस अंगूर के बगीचे में लेके घोड़ा घुसा वो अंगूर का बगीचा किसका था तो डिकरन हेलेबियन हेलिबियन डिकरन जो नाम दिया हुआ था यहाँ डिकरन हेलिबियन इसके वाइनयार्ड में जा करके लेके उसको घुसा घोड़ा और उसके बाद फिर जब मुराद देखा अरम को घोड़े से गिरते हुए घोड़े को भागते हुए तो मुराद क्या किया मुराद दौड़ा दौड़ा आया ज़रूर लेकिन उसका सेंटेंस याद रखना वो सीधा बोलता है अरम को कि मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है आई एम नॉट वरीड अबाउट यू एट ऑल आई एम वरीड अबाउट द हॉर्स घोड़ा किधर गया और चलो उसको ढूंढो और वो उसको फिर इंस्ट्रक्शन देता है यू गो दिस वे आई विल गो दिस वे और फिर एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी देता है कि अगर घोड़ा तुमको मिल गया तो प्लीज़ इस बार घोड़े को फिर तुम राइड करने की कोशिश मत करना मुझे आवाज़ दे देना मैं नज़दीक रहूँगा और मैं आकर के फिर कंट्रोल कर लूँगा तो ये इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था और दोनों भाई जो है वो घोड़ा खोजने के लिए अलग अलग दिशा में निकल पड़ते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे कि